सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू रुदन ब्लॉग्स। तो आज मॉर्निंग ब्लॉग बनाने का ये फंडा हो गया है कि मेरे पास, जैसा आपको पता है, DJI Mavic Mini है। तो ये कल हो गया था क्रैश। तो क्रैश होने के बाद क्या हो गया, मैंने चेक नहीं करा। आज मॉर्निंग में इसको अप्लाई करने लगा तो इसका जो ये गिम्बल है ना, वो स्टक हो गया था। मेरे को रह रहा है कि गिम्बल स्टक है, तो ये वाला जो गिम्बल है वो स्टक हो गया है। ठीक है, गिम्बल स्टक हो गया, वो अच्छे से मूव नहीं कर रहा और एरर आ रहा है। फ्लाइंग के टाइम फ्लाइंग तो होता ही नहीं है, तो उसमें एरर आ रहा है कि स्टक है ये। तो मैंने यूट्यूब पे वीडियोस देखी हैं, उसमें बड़े सारे ट्रिक्स थे कि इसको ऐसे ठीक करो, इसको ऐसे ठीक करो। बट एक चीज मैं आपको बताता हूँ कि जब तक आपको आपके गिम्बल की प्रॉब्लम ना पता चले, क्योंकि वो उन्होंने सोल्यूशन दिए हुए हैं जैसे उनको प्रॉब्लम फेस हुई थी, क्योंकि इसमें बहुत सारा फंडा होता है, इसमें रबर होती है साइड पे। ठीक है, मोस्टली वही से गिम्बल निकला होता, कोई ज्यादा इशू नहीं होता। तो कईयों ने सोल्यूशन दिए हुए हैं कि इसमें स्क्रू ड्राइवर ऐसे लगा के ऊपर कर दो तो निकल जाएगा, बट कभी भी ऐसा पंगा नहीं करना जब तक एग्जैक्ट आपको पता ना हो कि गिम्बल स्टक कैसे हुआ है, क्यों हुआ है, रीजन क्या स्टक होने का। तो सबसे पहले हमने रीजन पता करना है। तो चलो आपको मैं पास से दिखाता हूँ कि एक्चुअल में प्रॉब्लम हुई कहाँ पे है। अभी ऐसे आप देखो कि इसमें प्रॉब्लम क्या है, ये देखो ये स्टक हो गया, ये ऐसे कर रहा है और ऐसे ऐसे वाला मूव नहीं कर रहा। अब प्रॉब्लम क्या हुई है, मैंने अच्छे से चेक करा है, दूर से मेरे को दिखा है, अगर कैमरे में पता नहीं दिखेगा कि नहीं दिखेगा, कि इसके अंदर जाके ना, इसके अंदर जो यहाँ पे माउंट है ना, ये वाला यहाँ पे माउंट है इसका, वो निकल गया। ठीक है, तो अभी हमें क्या करना है, इसके माउंट को उसको प्रॉपर यहाँ पे है वहीं पे लगाना है। तो जैसे कि आपने देख लिया कि इसमें एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है, अब करने को तो मैं स्क्रू ड्राइवर से घर पे भी इसको खोल सकता हूँ, क्योंकि ये चार स्क्रूज है इसके, उसके बाद ये ऊपर वाला ओपन हो जाएगा और हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं। बट क्या है कि इसके जो स्क्रू है वो नीचे हैं और डीप है थोड़े से, तो पंगा नहीं लेना चाहता मैं इसके साथ, क्योंकि मेरे पास सामान तो सारा पड़ा हुआ, बट इसके साथ मैं अभी पंगा नहीं लेना चाहता। तो मैं इसको अभी शॉप पे लेके जाऊंगा, तो वो भी जिन्होंने मेरा वो कैमरे का काम करा हुआ, जब मेरे कैमरे सेक्शन कैमरास खराब हुए थे तो उसमें जो माइक फिट करा था उन्होंने करा था, तो उन्हीं के पास मैं फिर से लेके जाऊंगा, वो इसको ओपन करेंगे और उसको अच्छे से, यहाँ पे पहले माउंट था वहां पे माउंट करके इसको क्लोज कर देंगे। तो आई ट्राई, मैं अभी जाता हूँ, आपको भी साथ ही लेके जाता हूँ, तो बाकी जो वीडियो हम वहीं पे शूट करेंगे। तो फाइनली हम विनायक भैया के पास हैं, इन्होंने ये वही है, अगर पुराने ब्लॉग्स देखे होंगे तो इन्होंने मेरे एक्शन कैमरा में एक्सटर्नल माइक भी इन्होंने ही फिट करा था, तो इसलिए मैं इनके पास ही लेके आया हूँ। तो अभी हम इसके वही वाले चार स्क्रू खोलेंगे और गिम्बल को सेटअप करेंगे। और एक चीज़ और का प्रिकॉशंस लेना है कि जो इसका लेंस है उसके आगे आप पेपर टेप लगा दो, क्योंकि अगर मैं कैमरा ओपन करता हूँ तो उसके आगे भी मैं पेपर टेप लगाता हूँ, दैट के कोई स्क्रैचेस या कुछ और स्क्रू वगैरह ना लग जाए। सो ये मैं भूल गया था, बट ये अभी लगा लिया। तो फाइनली काफ़ी मुशक्कत के बाद ये खुल गया है। ठीक है, इसके ये आगे ना दो क्लिप्स, ये वाले ये नहीं खुल रहे थे, तो अभी हमने देखा है इसको, पजेन उल्टा करो, हाँ, तो अभी हमने इसको सेट करा है सारे को, अभी हमने इसको सेट करा तो आप देखोगे कि ये बिल्कुल फ्री हो गया। ये देखो, ये ऐसे भी मूव कर रहा है और ऐसे भी मूव कर रहा है, ये तो कर ही रहा है, ये देखो ऐसे मूव कर रहा है। तो हमने इसका गिम्बल इस साइड से सेट कर दिया। ठीक है, ये यहाँ से ना ये दो क्लिप फ्री हुए थे, तो ये दोनों भी सही कर दिए हैं। तो अब मैंने इसमें बैटरी डाली है, दैट के हम इसको चला के एक बार चेक करेंगे, दोबारा एरर तो नहीं आता, अगर एरर आएगा तो इसको देख लेंगे, अदरवाइज इसको बंद कर देंगे। तो अभी जैसे आप देखोगे कि ये अभी ओपन है, मैंने इसमें बैटरी डाल दिया और बाकी मैं इसके ऐप ऑन करके देखता हूँ कनेक्ट करके कि अभी गिम्बल की इशू आ रहा है कि नहीं आ रहा। जैसे अभी मैंने स्टार्ट करा तो ये सारा ऑन हो गया, गिम्बल का कोई वो नहीं आ रहा एरर। ठीक है, गिम्बल का एरर नहीं आ रहा अभी, ये GPS का है, ये तो अभी बाहर जाएंगे तो GPS वाला क्लियर हो जाएगा, तो अभी बस इसका नहीं एरर आ रहा गिम्बल का। ठीक है, इसमें अगर हम फ्लाई विद कॉशंस करेंगे ना, गिम्बल प्रॉपर सही हो गया, और अभी इसको हम बंद करेंगे और प्रॉपर घर पे जाके इसको उड़ा के देखेंगे, दैट के इसकी वीडियो कैसी आती है।
तो अभी हम अपने टेरेस पे हैं, तो जैसे आपको पता है कि ये देखो ये अभी प्रॉपरली वर्क कर रहा है, ऐसे ऐसे वर्क कर रहा है मीन्स टू से प्रॉपरली। तो अभी हम इसको इसके साथ कनेक्ट करेंगे ऐप के साथ और देखेंगे कोई एरर आता है कि नहीं, जैसे पहले उसका एरर आ रहा था, ठीक है, और स्टक भी था जैसे मैंने पहले दिखाया था। तो अभी मैंने इसको ऑन कर लिया, अब ये इसके साथ कनेक्ट होगा। ये देखो अब एयरक्राफ्ट इसके साथ कनेक्ट हो गया और ये जीपीएस का इतना ध्यान नहीं देना इसका, ये हो जाता है। और सेकेंडली देखो कोई भी एरर नहीं आ रहा, गिम्बल अच्छे से वर्क कर रहा है, जो स्टक पहले कर रहा था वो नहीं कर रहा, ठीक है। तो फ्लाई विद कॉशंस कर देंगे, ठीक है, ये आ गए हैं, ठीक है। अब इसको चला के देखते हैं, ठीक है, अभी तो क्या है कि इसका वो अगेन वही हो, वैसे हो गया है, तो दोबारा हो गया, इसको इसका इश्यू नहीं है, ये मैं दोबारा हैक कर लूँगा। अब इसको 15 मीटर कैसे एल्टीट्यूड हैक करना है ये मेरे पुराने ब्लॉग में देखोगे, ठीक है, या ऊपर आई बटन में लिंक दे देता हूँ कि 15 मीटर कैसे ब्रेक करना और इस ब्रेक को परमानेंट कैसे करना है कि ऐप बंद होने के बाद भी ये चलता रहे, ठीक है। तो ये मेरे दूसरा पूरा ब्लॉग देख सकते हो आप इसका, तो ऊपर आई बटन में इसका लिंक है, तो अगर आप ऊपर देखोगे तो वो पूरा चला गया, ये देखो ये प्रॉपरली वर्क कर रहा है, ठीक है, ये चल रहा है। अगर आप गिम्बल की बात करोगे ये देखो प्रॉपरली वर्क कर रहा है, ठीक है, ये देखो गिम्बल प्रॉपरली वर्क कर रहा है। सो इट मीन्स हमारा जो प्रॉब्लम थी वो सारी सॉल्यूट हो गया। तो जैसा कि सारा मैंने प्रोसीजर बताया कि कैसे इसको क्या प्रॉब्लम थी और इसको कैसे सोल्यूशन करना है, ठीक है। पहली बात तो ये है कि कैमरा देखना है और इसके जो लॉक्स हैं, ये वाले लॉक है ना ऊपर वाले, ये वाले जो लॉक हैं ये अच्छे से खोलते हैं, ठीक है। अगर तो आपको लॉक्स ओपन करने की कोई भी एक्सपीरियंस है देन इसको ओपन करना, अदरवाइज आप आसपास किसी भी मोबाइल रिपेयर या किसी अच्छे रिपेयर वाले शॉप पे ले जाओ, वो इसको लॉक्स ओपन कर देगा, चार इसके स्क्रू हैं और वही करने हैं। सेकंड इसका कैमरा प्रोटेक्ट करना है, उसके ऊपर जब आप कुछ भी करो इसके साथ, इसके गिम्बल के कैमरा है ना यहाँ पे, उसके ऊपर पेपर टेप लगा दो दैट के स्क्रैचेस ना पड़े, ठीक है। और थर्ड जैसे इसको ओपन करना है वैसे प्रॉपरली इसको बंद भी करना है, और ओपन करते टाइम ये देखना है कि किसी की कोई भी वायर को ब्रेक ना हो जाए, क्योंकि अगर वायर ब्रेक होगी तो ज़्यादा पंगा पड़ जाएगा और आपको शायद इसको रिपेयर के लिए भी भेजना पड़े। ऐसा किया है कि क्या होता है कि जैसे मेरे को कोई प्रॉब्लम फेस होती है तो मैं काफ़ी सोल्यूशन ढूंढने के बाद उसको ट्राई करता हूँ, तो मैं सोचता हूँ कि ये फेस है, क्योंकि ड्रोन किसी के पास भी है वो क्रैश तो हो गई होगा, सीधी सी बात है, अगर आप इसको चलाओगे, ठीक है, कुछ एक्सपेरिमेंट करोगे तो क्रैश होना है और एक्सपेरिमेंट करने भी चाहिए, ठीक है। तो मेरा ये क्रैश हो गया था, दो बार क्रैश हुआ है, अभी सेकंड टाइम गिम्बल की प्रॉब्लम आई है, पहली बार गिम्बल की प्रॉब्लम नहीं आई थी। तो ये सोल्यूशन हो गया अभी गिम्बल का, मैंने जैसे उड़ा के भी दिखाया कि प्रॉपरली वर्क कर रहा है। तो अगर यही तक था हमारा ब्लॉग, ठीक है, तो अगर किसी को कोई और प्रॉब्लम फेस होती है इसको लेके तो आप कमेंट बॉक्स में अपना छोड़ सकते हो, फिर ही मैं उसका रिप्लाई जल्दी से जल्दी देने की ट्राई करूँगा, ठीक है। और ये सारा ब्लॉग था, अगर ब्लॉग अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करो, तो वीडियो को लाइक करो और कमेंट करके बताओ कि सोल्यूशन हुआ तो अच्छा हुआ नहीं, अगर कुछ प्रॉब्लम है तो कहाँ पे आई है ब्लॉग में, देन मैं उसको सोल्यूशन उसका दे दूंगा, ठीक है। और अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये इसलिए भी ज़रूरी था कि हम अभी निकलने लगे हैं, दो तीन दिन तक कुछ अच्छा करने लगे हैं, तो उसमें ड्रोन शॉट काफ़ी अच्छे होंगे। सो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो, और थैंक यू फॉर वॉचिंग द ब्लॉग, थैंक यू सो मच।